ओह माय गॉड, क्या था ये? हम तो ये सोच रहे थे कि सेकंड ट्रेलर ओनली नॉर्मल होगा। लिटरली गाइस, आप समझ आ रहा है कि मूवी के मेकर्स ये क्यों बोल रहे थे कि सलार का स्केल केजीएफ स्केल से 5 गुना ज्यादा है और वो हमें दिख रहा है कितना ज्यादा है। वेल आई होप सो अभी तक तुम लोगों ने इस सेकेंड ट्रेलर को देख ही लिया होगा और इंजॉय भी बहुत किया होगा। वेल जल्दी से ब्रेक डाउन कर लेते हैं इस सेकेंड ट्रेलर को और देखते हैं हमें इसमें क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं इसके फर्स्ट ट्रेलर को ताकि सलार के सेकेंड ट्रेलर का ब्रेक डाउन अच्छे से हो सके। तो सलार के फर्स्ट ट्रेलर में हमें 3 क्लैंस को हाईलाइट करके दिखाया गया था, जो कि फर्स्ट क्लैन था वुल्फ या फिर इसको फॉक्स भी बोल सकते हैं, सेकेंड क्लैन था बुल और थर्ड क्लैन था ईगल। एंड इसमें से बुल क्लैन सबसे बड़ा क्लैन है, जो भी क्लियर हिंट दे रहे थे कि मूवी की कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। एंड इसी के साथ साथ हमें खानसार नामक जगह के बारे में मालूम पड़ा था जिसे कुछ खतरनाक डाकुओं ने टेक ओवर कर लिया था 1000 साल पहले। एंड यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ हमें क्लियर नहीं किया गया था कि ये डाकू थे कौन, बट हमने इसके फर्स्ट ट्रेलर को एनालाइज किया और ये पता लगाया कि एक्चुअली में ये डाकू बुल क्लैन से बिलोंग करते थे। एंड इन्हीं के वंशज आज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। राज मन्नार, जो कि बुल क्लैन से आता है, वो खानसार को रन कर रहा है। एंड इसका बेटा वर्दा वो अगला सुल्तान बनने वाला है। एंड वर्द राज मन्नार इस थ्रोन पर ना बैठे, इसी के लिए यहाँ पर साजिशें रची जा रही है। और अब बात करते हैं सेकेंड ट्रेलर के बारे में। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हम देख पा रहे हैं एक जगह को जहाँ पर कुश्ती हो रही है। एंड यहाँ पर देवा इस पहलवान से पंगा ले रहा है। एंड ट्रेलर की स्टार्टिंग वाली सीन्स को देखकर ये समझ आ रहा है कि खानसार सिटी और माइनिंग एरिया अलग अलग हैं, क्योंकि जहाँ पर ये कुश्ती हो रही है वो है माइनिंग लोकेशन। और प्रवास के जितने भी सीन्स हमें दिखाए गए हैं वो माइनिंग लोकेशन के ही है। इट मीन्स जो हमने फर्स्ट ट्रेलर में देखा था, यानी देवा और वर्दा का बिछड़ना, हो सकता है ये जातियों में मतभेद के कारण हो। जहाँ पर ऑब्वियस ही बात है वर्दा बुल क्लैन से आता है, जो कि सबसे ऊंची जाति है, और देवा यहाँ पर हो सकता है इनकी जाति से नीचा हो, यानी बुल क्लैन से नीचे की जाति में आता हो। एंड शायद यही रीजन हो सकता है इसके फर्स्ट ट्रेलर में हमें दिखाया गया था कि ये लोग यानी वर्दा एंड देवा बिछड़ रहे हैं। अब क्योंकि खानसार की दुनिया में इतनी जनजाति दिखाई गई है तो ये भेदभाव होना तो कंफर्म है। एंड जैसे कि हमने प्रभास की ज्यादातर सीन्स माइनिंग वाली लोकेशन के देखे हैं, तो हो सकता है उसने वर्दराज मन्नार से बिछड़ने के बाद यहाँ पर बना ली हो। एंड यही पर वो बड़ा होकर बना है एक मैकेनिक, जो कि यहाँ पर गाड़ियों की मरम्मत करता है। हो, एक फ्रेम ने इतना कुछ लिखवा दिया मुझसे। वेल, अगली सीन को अगर हम ध्यान से देखें तो एक गाड़ी कहीं जा रही है जिसमें बैठा हुआ है वर्दराज मन्नार। एंड अगली सीन में हम देख सकते हैं वर्दराज मन्नार माइनिंग वाली लोकेशन पर है। एंड वर्दा के इन कपड़ों को देखो, ये कपड़े हमने देखे थे इसके फर्स्ट ट्रेलर में जब वर्दा हेल्प मांग रहा था देवा से। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सीन तभी का होने वाला है जब खानसार पर मल्टीपल्स अटैक होंगे और अपना वर्दराज मन्नार हेल्प मांगने जाएगा देवा की। एंड इसके फर्स्ट ट्रेलर में हमने देखा ही था देवा ने वर्दा से वादा किया था, और वो वादा था कि तू जब भी बुलाएगा मैं जरूर आऊंगा। एंड वो आया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वर्दा और देवा फाइट कर रहे हैं। एंड इनके अपोजिट में कौन है? सर्बियंस एंड रशियन। एंड उनके साथ हैं ईगल और बुल क्लैन के लोग, और हाँ ईगल क्लैन के भी। अब ये बात तो हमें पता ही है, वुल्फ या फिर कहीं फॉक्स और ईगल क्लैन बुल क्लैन को टेक डाउन करना चाहता है ताकि इनको नीचे करके वो खानसर पर राज कर सके। बट जब तक देवा है ऐसा हो ही नहीं सकता। वेल, सेकेंड ट्रेलर को देखने के बाद काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि सारी स्टोरी बता दी। मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ट्रेलर के एंड में इतना बता दिया गया है कि देवा और वर्दा दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन इस पॉइंट तक आने पर मूवी में कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक मैं ज्यादा ही अंग पहुंच गया। वेल, इस सीन को देखो, इसे वैसे वुल्फ नहीं बल्कि फॉक्स बोलना चाहिए, क्योंकि फॉक्स बहुत क्लेवर होते हैं और यहाँ पर फॉक्स क्लैन का मेंबर कुछ खुरापात कर रहा है। एंड ये जो बंदा है वो है वर्दराज मन्नार। अब ये मुझे कैसे पता? क्योंकि वर्दा और इसके फोरहेड सेम है। वेल, इस सेकेंड ट्रेलर यानी इसके रिलीज ट्रेलर में मैंने एक और डिटेल को नोटिस किया। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं ईगल क्लैन के बंदे, यानी उनके मेंबर। अब ये ईगल क्लैन से कैसे हैं वो देखो। अब इन 3 स्टैचूज को देखो, जिसमें से पहला स्टैचू है वुल्फ या फिर फॉक्स, जिसने एक तलवार पकड़ी हुई है
बीच में है बुल जिसके नोज में एक रिंग है और उसने भाला पकड़ा हुआ है, एंड इसी के बगल में है ईगल, इसने एक स्टिक पकड़ी हुई है, एंड ये इनकी पहचान है। वैसे यहाँ पर गरुड़ा की बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बंदा फुल मास्टरमाइंड है पूरे गेम का, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो यही करवा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये बुल ग्लेन से बिलोंग करता है और ये श्योर चाहता होगा इस थ्रोन पर बैठना। एंड जैसा कि हमने इसके फर्स्ट ट्रेलर में देखा ही था, गरुड़ा वरदा की नोज से रिंग निकाल रहा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि गरुड़ा ही मास्टरमाइंड है। एंड यही पर हम देख सकते हैं इन मोहतरमा को, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वरदा की माँ होने वाली है क्योंकि ये भी बुल क्लैन से बिलोंग करती है। एंड यहाँ पर ये बोल भी रही है कि खान साल की चारों तरफ से सिक्योरिटी टाइट कर दो। एंड यहाँ पर ये किसको तैनात कर रही है, ओनली मन्नार आर्मी, इसका मतलब मन्नार आर्मी ही खानसार को प्रोटेक्ट कर रही है, बाकी की क्लैन और उनके मेंबर्स खानसार को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है, इसे ही कहते हैं कूटनीति। सो ये तो था सलार सेकंड ट्रेलर का फर्स्ट पार्ट, बाकी इसमें बहुत कुछ है बताने को, उनके बारे में हम बात करेंगे इसके सेकंड वीडियो में, यानी सेकंड पार्ट में। अब यहाँ पर इस ब्रेक डाउन को दो पार्ट में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके सेकंड पार्ट में मेरे पास एक थ्योरी है और वो थ्योरी है केजीएफ सलार कनेक्शन की। सो आई होप सो ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं सेकंड वीडियो में।